यूपी की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच जबरदस्त फुटबॉल मैच देखने को मिला। मैच को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री कप के तहत केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित इस फुटबॉल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फुटबॉल को किक मारते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को फुटबॉल खेलता देख वहाँ मौजूद दर्शक भी उत्साहित हो उठे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नई सौगात दी है। साथ ही प्रदेश के करीब 57,000 ग्राम पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बनाया जाएगा। यूपी में भारतीय फुटबॉल संघ करीब 1,000 फुटबॉल के खेल मैदान को विकसित करने जा रहे हैं। मैच की शुरुआत सीएम योगी ने फुटबॉल को किक मारते हुए की। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच शाम करीब 6 बजे से मैच शुरू हुआ था। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लंबे समय के बाद कोई मैच देखने को मिला। इस मैच को देखने के लिए सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने मैच का उद्घाटन किया और फिर दोनों टीमों के बीच खेला शुरू हुआ। आप सीएम योगी के चेहरे पर खुशी भी साफ देख सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई और हर खिलाड़ी से मुलाकात भी की। खास बात यह है कि सीएम योगी ने लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात दी है। वो बिना टिकट के ही अब फुटबॉल मैच का मजा ले सकेंगे। यूपी में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल संघ प्रदेश में 1,00,000 फुटबॉल स्कूलों में बांटेगा। फुटबॉल को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए सीएम ने कहा कि हम 1,00,000 फुटबॉल से 22,00,000 फुटबॉल खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। हमें 25 करोड़ की घनी आबादी वाले राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी क्रिकेट मैच भी खेलते हुए नजर आए थे। वहीं सीएम योगी प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने करीब 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी है और हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया वुमेन के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इसे एक नई दिशा देने का कार्य किया है। जब भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी आज से लगभग 19-20 दिन पहले उससे मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी फुटबॉल के प्रति जो रोमांच है उसके लिए एक मंच चाहिए और अगर सरकार उसके साथ जुड़ जाए तो और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। दरअसल मैच की शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत, उन्होंने मैदान में रखी फुटबॉल को किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।